यहाँ से कुछ वीडियो, यहाँ पे ये वाले वीडियो को हम चला देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चलाया इस मोबाइल में, लेकिन इस मोबाइल में चल रहा है। ऐसे ही आप टीवी में भी चला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में या कास्ट, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप कल ही वीडियो देखे हैं जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें एक ऑप्शन आया था या कास्ट। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे या कास्ट, दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो या कास्ट। दोस्तों इसी के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे इसको चलाना है दोस्तों अपने मोबाइल फोन में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैंने इसे इजी कैप के द्वारा देख सकते हैं इसको मोबाइल में इस सेटअप बॉक्स को चला रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कैसे इसको अपने मोबाइल से इसमें चलाना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जिब्रोनिक का ये दोस्तों वाईफाई है, इसको कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपने दूसरे मोबाइल में आपको दिखा देते हैं कनेक्ट करके। और उसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पे हॉट स्पॉट हम खोल देंगे, देख सकते हैं हॉट स्पॉट खुल गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में आ जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आने के बाद नेटवर्क सेटिंग में ओके कर देना है, और यहाँ पे कनेक्टेड दोस्तों यहाँ रिमोट से पीला दोस्तों ये वाला बटन को यूज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आएगा प्लीज वेट करके लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस पर कनेक्ट कर देना है, देख सकते हैं जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्ट हो गया है, नो नेटवर्क कनेक्शन हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं, आपको फिर से एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे टिक लग गया है, इसका मतलब कनेक्शन हो गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ये कास्ट चलाना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, QR स्कैनर। दोस्तों देख सकते हैं QR एस बार, इसको आपको एक बार दोस्तों इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं ये वाला ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आ जाना है और ईयर कास्ट पे आ जाना है, और ओके बटन कर देंगे तो आपको एक बार कोड दिखाई देगा, इस बार कोड को आपको स्कैन करना है। दोस्तों जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सर्वर आपको दिखेगी, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। देख सकते हैं कॉपी हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे उस पेस्ट को जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं ये कास्ट। जैसे ही वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम खोलेंगे, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेट कनेक्शन भी खोलना पड़ता है क्योंकि ये नेट से चलता है। और देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो फाइल है वो चलेगा। देखिए अब टीवी में भी चला सकते हैं इसको। तो देखिए वीडियो यहाँ पे इमेज पे आएंगे, और इमेज पे आने के बाद देखिए ये वाला फोटो है, इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखते रहिए दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा फोटो। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसी कारण दोस्तों। देखिए ये वाले फोटो को मैंने क्लिक किया, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पे वीडियो भी प्ले करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से कुछ
वीडियो यहाँ पे ये वाले वीडियो को हम चला देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चलाया इस मोबाइल में, लेकिन इस मोबाइल में चल रहा है। ऐसे ही आप टीवी में भी चला सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, और यहाँ पे सब्सक्राइब वाला भी चलेगा, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से चल रहा है दोस्तों, एकदम 100% वर्क करता है दोस्तों। ऐसे ही करके अपने दोस्तों मोबाइल फ़ोन से अपने टीवी में भी चला सकते हैं, जो कि डब्बा वाला टीवी आता है उसमें भी चला सकते हो बहुत ही आसानी से दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे ये सब वीडियो चल रहा है दोस्तों। ऐसे ही करके कोई सा भी वीडियो यहाँ पे चला सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे ये भी चल रहा है। यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ये वाला टच करेंगे तो ये वाला यहाँ पे चलेगा इसमें से। तो ऐसे ही करके आप बहुत ही आसानी से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने डब्बा वाले टीवी में प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।